हेलो स्टूडेंट्स, एज आई प्रॉमिस्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्वेक्स मिरर हम लोग पढ़ेंगे. व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द कॉन्वेक्स मिरर. वैसे तो कोरोना ने हमें ये सिखाया है, दूरियों में ही सुकून है, ज्यादा किसी के पास जाना नहीं चाहिए. बट विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्वेक्स मिरर हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है. तो व्हाट हैपेंस व्हेन दिस ऑब्जेक्ट ए बी इज ब्रॉट क्लोजर टू द कॉन्वेक्स मिरर. यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को ए बी लिखा है, यहां पे ए वन बी वन लिखा है ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे आपको, ठीक है. तो लेट्स ऑब्जर्व द इमेज फॉर्मेशन. तो पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है. अभी इसको हटा देते हैं बीच में से. एनी रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आई हैव टोल्ड यू, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से निकल रही हो. पीछे वो आ नहीं सकती है क्योंकि पीछे की सरफेस पॉलिश्ड है. तो ये अगर यहां पे आपकी आई है तो ऐसा लगेगा जैसे रे कहां से निकल रही है, प्रिंसिपल फोकस से निकल रही है. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. ओके, सेकंड रे वी विल टेक फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, लेकिन ये यहां पे आके रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है. जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है वो अपना पाथ रिट्रेस करती है, क्योंकि इस केस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही जीरो होता है. ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों पीछे की तरफ जाएंगी तो आपको लगेगा इमेज यहां बन रही है, ठीक है. तो ये आपकी बनी इमेज, दिस इज ए बी. तो ये ए डैश बी डैश बना लेते हैं इसको. ए डैश बी डैश इज द साइज ऑफ द इमेज. नाउ अब इस ए बी को पास लेके जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के. नाउ ऑब्जेक्ट इज एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे मैं ऑब्जेक्ट को ले आता हूं, ए वन बी वन, ए वन बी वन. ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. Now, ये पहली वाली रे तो सेम ही रहेगी, पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसा रहेगा फोकस से डाइवर्ज हो गई. पहली वाली रे तो सेम ही रहेगी, पहली रे तो सेम ही रहेगी, ठीक है. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस की तरफ जाने की कोशिश करेगी, बट इट विल डाइवर्ज, ठीक है. ऐसा लगेगा ऐसे फोकस से निकल रही है. सेकेंड रे जो है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी उसमें चेंज आएगा, ठीक है. तो इस पॉइंट को लिया, यहां से रह गई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, लेकिन ये जा नहीं पाएगी मिरर के उस तरफ. ठीक है, यहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये गई और यहां पर टकरा करके वापस आ गई, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो बनेगा. ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो रिफ्लेक्टेड रेज पीछे आई रिट्रेस करेगी, तो ये इंटरसेक्ट यहां पर हो रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो यहां इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा. So this is image formation, ठीक है. ये ए वन बी वन है, तो इसको मैं ले लेता हूं ए वन डैश बी वन डैश. सो इट इज क्लियर फ्रॉम द रे डायग्राम कि अगर ऑब्जेक्ट को आप पास लाते हो तो इमेज भी पोल की तरफ आ रही है, और इमेज का साइज पहली वाली इमेज से बिगर है, ठीक है. ए वन डैश जो है, ए वन डैश बी वन डैश इज ग्रेटर देन ए डैश बी डैश. तो क्या चीज ऑब्जर्व की हमने इसके अंदर, कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा अगर ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के पास लाते हैं तो इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा होगा. लेकिन दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट के साइज से कम ही रहेगा इमेज का साइज, ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी. सो लेट्स राइट द कंक्लूजन, ठीक है. व्हेन ऑब्जेक्ट is brought closer to the convex mirror, क्या होगा, size of the image increases, size of the image increases, ठीक है. इसका size क्या था, a dash b dash, इसका size क्या, a1 dash b1 dash, a1 dash
बी वन डैश इज ग्रेटर देन ए डैश बी डैश, ठीक है, दिख रहा है फिगर से हमें, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या दी हमने, फर्स्ट सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज इन बोथ केसेस, हालांकि इमेज का साइज बड़ा है लेकिन दोनों ही केसेस में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, इन बोथ केसेस साइज ऑफ इमेज इज लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उम्मीद है आप विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम ये आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।